हेलो ओम, गुड आफ्टरनून सभी को। एंड आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 2 बजे से। आज बड़ी लेट स्टार्ट हुई। ओम ऐसे देख रहा है, ऐसे खड़े कर दिए इसने अपनी गर्दन और ऐसे देख रहा है, क्योंकि आज कोई घर पे है नहीं। मम्मी भी घर पे नहीं है, फंक्शन को गई हैं, और एक तो भी घूमने गई है, सबुन भी घूमने गई है। तो मैं हूँ घर पे, ओम है, ये बाछू है, दी है, और ये लड़का सुबह से फोन में लगा हुआ है। ये इसको देखो गाइस, इसको देखो। और ओम मेरे को खींच रहा है कि फोन मेरी तरफ लेकर आ। उए बाछू की तरफ जाएगा फोन, तेरे को नहीं मिलेगा। ये छिप गया, अब छिप गया अब। ओम नहीं बाछू, ओम 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 नहीं बाछू, अपने दांत बता की करके बता, कहाँ गए तेरे दांत, कहाँ गए बता, सभी को दांत कहाँ गए तेरे, नहीं पता। सुबह से लिया है इसने फोन, इसने और इसको लगी है नींद। जय माता दी, जय माता दी बोल दो, जय माता दी। तो है नहीं कोई घर पे, तो फिर उनके पास थी मैं, तो अभी नहा धो के आई, तो ब्लॉग शूट कर ली। अब इसको पता नहीं क्या हो गया, तो अभी स्टार्ट कर दिया मैंने ब्लॉग अपना। आज दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, मासी अब तक स्कूल से आई नहीं, मासी भी आने वाले हैं। इसके हाथ देखो कहाँ जा रहे हैं। और हमारे अभी तक भैंस नहीं आई, ओए इसने पोटी तो नहीं करती मेरे ऊपर। हाँ। मासी आ गई स्कूल से, मासी आप स्कूल से पानी ले आते, फोन करना था भाई, हम भूल गए फोन करना है। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी, 3 दिन से, 3 दिन से हमें पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, कुछ भी पीने के पानी का तो मैं बस कपड़े धोने के लिए तो काफी है, पर पीने के लिए नहीं है। पानी वाले भेज दे, पानी वालों सुन लो, हमें पानी भेज दो, पाइप पर जल्दी जल्दी से जोड़ दो अपनी। ओम जो अपनी बुआ के साथ खेल रहा है, और एक बुआ अभी अभी आई जो बाहर है, आपको भी उनके दर्शन करवाते हैं, रुको। और ये आई एक और दीदी हमारी, दीदी हेलो, और इनकी बेटी बीहा, बीहा हेलो। वासु को देखो क्या कर रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और शाम के 5 बज रहे हैं, खाने की तैयारी करते हैं। और देवी आई हैं आज, दूसरी वाली दी आई हैं आज, मासी की लड़की हैं वो आई हैं। तो देख खाना बनाती हूँ इनके लिए, मम्मी है नहीं घर पे, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, दाल वगैरह डालती हूँ कुछ, तो और कुछ क्या बनाऊँ इनके लिए, हलवा वगैरह बनाऊँगी, देखती हूँ क्या क्या बनता है मेरे से। तो चलो करते हैं शुरू बनाना है। तो फिलहाल पहले मेरे को बर्तन है, और पानी वगैरह आने रहा है, बड़ी मुश्किल है हमें पानी की, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, क्या बात, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई पता नहीं है। पापा ने फ़ोन करा था तो बोला कि पाइप वगैरह टूट गई है, कुछ हो गया, पता नहीं क्या है, पीने के लिए पानी नहीं, कुछ पानी नहीं है ना, पीने के लिए तो बड़ा ज़रूरी होता है पानी, वो तक नहीं है हमें इधर। तो अभी नीचे से टैंक से लेकर आए पानी, तो वो तो बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए तो उसको उबाल के पी सकते हैं, ऐसे तो पी नहीं सकते है ना। तो अभी चलो बनाते हैं उनके लिए कुछ, तो मिलते हैं जब मैं स्टार्ट करूँगी बनाना, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। हेलो गुड इवनिंग, तो मैं आ गई हूँ किचन में, एंड आज बनाएंगे हम खोरू एंड कड़ू, जो भी है मेरे मायके वाले बोलते हैं खोरू और यहाँ बोलते हैं कड़ू। तो सभी कमेंट करना कि आपकी हिमाचल वाले की आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कड़ू बोलते हैं या खोरू बोलते हैं बिना बेसन, मैं बेसन ही डालूँगी कड़ी मतलब छाछ में, तो उसको बोलेंगे ठीक है। तो चलो बनाते हैं कड़ू खोरू जो भी है, एक ही बात है। और मैंने दाल बना दी है, चावल भी मैंने रख दिए थे, अब ये भी बस एक दो सीटी आएगी, मतलब ये ना इस पे रखे इंडेक्स पे रखे हैं, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है
तीन चार सीटी लगती है तब पकते हैं ये। और मम्मी भी आज गए थे फंक्शन में, ये भी आ गए, मम्मी भी आ गए, मम्मी आए, मम्मी बर्तन धो रहे हैं, तो चलो बनाते हैं करो। तो मेरे चावल भी बन गए हैं, मेरी दाल भी बन गई है और अभी बन रहे हैं कड़ू। तो छाछ ले लिया मैंने और मैंने बारीक करके प्याज काट लिया है और ये लहसुन की कलियाँ हैं और हरा धनिया है। इंडेक्स बंद है फिर भी सीटी आ रही है इसमें, नया जादू है। तो पहले मैं डालूंगी इसमें तेल। ओह नो, तेल ज़्यादा डल गया, मैं इसको निकालना पड़ना। तो तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, मिर्च, तो फिर वो कैसे मासी को रखा है मासी को दवा रखी है। और ये साथ में डाली मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी मैंने अपने खेत से किचन से, तो वो डाली मैंने इसमें। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और धनिया जीरे का पाउडर मिक्स कर लेते हैं। कुछ थोड़ी देर इसको पका लेंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे छाछ। छाछ ये है हमें, ठीक है ना, खट्टी तो नहीं है, खट्टी खट्टी हो तो मज़ा आता है, खट्टी खट्टी खटा खटा आता है, उसका टेस्ट टेस्टी लगती है। देखते हैं पहले ना कि कितनी खट्टी है कितनी नहीं, उसके अनुसार डालेंगे थोड़ा सा उसमें पानी। तो अभी मसाले में चल लग ना जाए तो मैं डालूँगी उसमें थोड़ा सा पानी। अभी मैंने डाल दिया इसमें छाछ, तो इसको चलाते रहना फटना चाहिए क्योंकि बिना बेसन का है तो ये फट भी जाता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। 5 मिनट रखना है। हाँ थोड़ा सा गर्म होगा, जरा जरा सा गर्म होगा तो इसको बंद कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा देर रखते हैं तो ये फट भी जाता है। और ये हरा धनिया भी है मेरा, वो भी इसमें इसमें डाल दूंगी। मम्मी देखो काफी है ये, और ज्यादा डालना छाछ, पहले देख लो खट्टी तो नहीं, तो ही डालना पानी ऐसे क्यों डालना। नमक भी देखना, नमक ठीक है, नमक कम है तो नमक कम है, मम्मी बोल रही हैं तो इतना सा नमक वो डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। मम्मी धीरे धीरे बोल रही है मम्मी क्यों बोल रही है इतना धीरे धीरे थोड़ा सा और डाल नून हेलो अभी फिर कम होगा तो फिर डाल देंगे, क्योंकि कम का इलाज है और ज़्यादा का इलाज कुछ भी नहीं है। हाँ कर दूँ बंद है ना, तो ये तैयार है और सब कुछ रेडी है। अब हमने बनानी है चपाती, तो बनाते हैं चपाती, अब मिलते हैं। आज एक टाइम के लिए इतना ज़्यादा सामान लेकर आई, किचन का पूरा सेट है और ये लाइन वगैरह बड़ा कुछ लेकर आई है,
बासु अब खेलेगा इनके साथ और बिया भी खेलेगी इनके साथ। बिया क्या बनाएगी कल इसमें टिफिन में? खाना भी लेकर आएगी? क्या क्या बनाना नहीं चो बता बी बासु क्या बनाना नहीं चो तू क्या बनाना नहीं चो केड़ी सब्जी ऐसे भी घूमदा। अब बता दे गाइस को अपने सामान बता दे किचन के साइड का बता दे। हाय नॉर्मल तो नहीं है कि नॉर्मल कर दे।